जी, तो कार टिप्स एंड सॉल्यूशंस में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं एक घर में आया हूँ जहाँ पे एक गाड़ी जो है ना असल में स्टार्ट नहीं हो रही है, बंद हो चुकी थी और अब स्टार्ट नहीं हो रही है। सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स और आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि आप किस तरह कर सकते हैं। इस वक्त जो है ना मैंने अभी गाड़ी को चेक नहीं किया और आपको सिंपल से बताता हूँ। फॉल्ट के बैक फायर मारा है गाड़ी ने, बैक फायर जो है ना मिस फायर किया और उसकी वजह से गाड़ी ऑफ हो गई। उसके बाद ना गाड़ी पेट्रोल पर स्टार्ट हो रही है और ना ही CNG पर स्टार्ट हो रही है। तो शॉर्ट आउट करेंगे हम कि क्या प्रॉब्लम है और सिंपल सा जो है ना अब मैं सिर्फ सेल्फ मारवाऊंगा और चेक करते हैं। जी सर, सेल्फ मारेंगे आप? जैसे ही हम सेल्फ मारेंगे तो सबसे पहले जब बैक फायर में गाड़ी ऑफ हो जाती तो हम देखेंगे कि यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होके बंद हो जाती है और साथ में जो है ना एक और साउंड देती है जैसे कोई कहीं से हवा लीक हो रही है। तो सबसे पहले जो हम इस चीज़ को चेक करेंगे वो तो अब हम इसके जो है ना सबसे पहले इनलेट खोलेंगे। इनलेट को खोल के चेक करेंगे कि यार ये कहाँ से हवा लीक हो रही है। आप ख़ुद भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे यानी यूँ समझ लें कि मुझे काफ़ी दूर तक आना पड़ा है और अब छोटा सा फॉल्ट है और गाड़ी को स्टार्ट करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ख़ुद भी चेक आउट कर सकते हैं। तो सिंपल जो है ना हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे जो है ना इंजन जो हमारे पास है वो 1NZFE है, इसी तरह 2NZFE सेम इंजन होते हैं, सिर्फ पावर का फ़र्क होता है, CC का फ़र्क होता है, 1300 CC, 15 CC जो है ना या 16 CC, 1.6, 1.8 आता है। तो इसमें जो है ना यहाँ पर ये एक पाइप आता है इनटेक का, या आप ब्लो का पाइप कह सकते हैं। यह ब्लो का पाइप जो है ना ये देख सकते हैं आप निकल चुका है, ठीक है। ये पाइप आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पाइप बैक फायर से सबसे पहले जो निकलता है वो ये पाइप सबसे जो है ना लूज़ पाइप होता है जो कि बाहर से निकाल दिया जाता है। जैसे ही निकलता है तो यहाँ से ये एयर लेती है, यहाँ इस पाइप से इसने एयर लेना होता है। यहाँ से जब एयर लेती है तो मैफ सेंसर जो है ये मैफ सेंसर डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट तो हो जाती है। जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं मैफ सेंसर पूरा वर्क नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से हवा ले रही होती तो गाड़ी जो है ना ऑफ हो जाती है। तो हम सिर्फ सिंपल हम अब ये करेंगे कि इस पाइप को हमने यहाँ पे लगाना है और अब मैं भाई को कहूँगा कि गाड़ी स्टार्ट करें तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी हमारी जो है ना इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल, और यकीन जाने कि सिर्फ एक मिनट का फॉल्ट था और कुछ भी नहीं था। और उम्मीद करता हूँ कि जो है ना ये आपको काफ़ी मददगार साबित होगा। अगर मेरे इस तरह की वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं, मददगार साबित होती हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा जिस किस्म के फॉल्ट के साथ आपका वास्ता पड़ता है। मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ लाजमी बनाऊँ। कार टिप्स एंड सॉल्यूशंस आपसे इजाज़त मांगता है, बहुत बहुत शुक्रिया।